दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अभिषेक और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। दोस्तों एक बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो नीट की ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग है वो स्टार्ट होने की डेट आ चुकी है। एनएमसी ने सभी स्टेट्स को ऑर्डर दिए हैं कि आप भी स्टेट काउंसलिंग स्टार्ट करें और जल्दी से इसको फिनिश करें। बहुत सारे लोग जो अपने आप को करियर काउंसलर बोलते हैं वो इसी समय का वेट कर रहे होते हैं। आपको ध्यान रखना है कि किसी भी व्यक्ति की बातों में ना, क्योंकि अब आपके पास फ़ोन कॉल आएगा, मैसेज आएगा। कई बार आप गूगल पर सर्च करते हैं कि बेस्ट काउंसलर, आपको यूट्यूब पे एड्स मिलते हैं, वो आपको बोलते हैं कि आपको वो लो नंबर्स यानी कि 250, 300, 350, 450 या फिर 550 तक आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट दिलवा देंगे विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट कोटा। आप उनकी बातों में आते हैं और आप उनको 20,000, 50,000, 1,00,000 रुपये चार्ज भी देते हैं क्योंकि उनकी फ़ीस होती है। ध्यान रहे कि आपको ऐसे किसी भी काउंसलर की बातों में नहीं आना है क्योंकि ये सिर्फ एक स्कैम है। एक बात समझिएगा कि गवर्नमेंट कॉलेज में कोई मैनेजमेंट कोटा नहीं होता है और आपको एमबीबीएस या बीडीएस आपके स्टेट के या फिर ऑल इंडिया कोटा के मेरिट के बेस पर ही अलॉट किया जाता है। किसी कम नंबर वाले को एमबीबीएस कॉलेज मिल जाए और ज़्यादा वाले को ना मिले, इसकी पॉसिबिलिटी 0% है, ठीक है। अब आपको गवर्नमेंट कॉलेज कम नंबर पर किनको मिलेगा? बिलो 500 पे या बिलो 550 पर उन्हीं बच्चों को एमबीबीएस मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेज जो कि एससी कास्ट से हैं, एसटी से हैं या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड है या कोई अदर कास्ट जो कि शेड्यूल की कैटेगरी में आती है, सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलेगी। अगर आप जनरल या ओबीसी से हैं तो आपको 550 से कम पे तो एमबीबीएस मिलना ही नहीं है, उसी से ज़्यादा पे ही मिलेगा। अब बताती है कि सर चॉइस फिलिंग कैसे करें। तो भाई साहब एक बहुत सिंपल सा प्रोसीजर होता है, जब आप काउंसलिंग करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद आपके स्कोर के बेस पर एक मेरिट लिस्ट पब्लिश होती है। तो जब आप चॉइस फिल करें ना, तो आप एक बार ध्यान की जो फेमस कॉलेजेस हैं लाइक एम्स, जिपमर, केजीएमसी, बीएचयू, सीएमसी वेल्योर, मौलाना आज़ाद, तो इनका कट ऑफ हमेशा हाई जाता है। जो नए ओपन हुए मेडिकल कॉलेजेस हैं आप उनको प्रायोरिटी दो। अगर आपके नंबर बिलो 630 हैं, मतलब जो 630 से कम है उनके लिए, ठीक है। जिनके नंबर 630 से ज़्यादा है, 640, 650, तो वो एजेंसी, बीएचयू, मौलाना आज़ाद, भीमराव अम्बेडकर, इन सबको प्रायोरिटी दे सकते हैं। यही सिंपल सा प्रोसीजर है कि जो कॉलेज नए होते हैं उनकी कट ऑफ थोड़ी सी कम जाती है तो आप उनको प्रायोरिटी दे सकते हो। प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस करने के लिए भी आपके नंबर 500 समथिंग होना चाहिए, तभी आपको डोनेशन नहीं देना होगा। अदरवाइज प्राइवेट कॉलेज की फीस तो ज़्यादा होती है और वो आपसे डोनेशन भी चार्ज करते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ बता दिया है, बाकी आपकी मर्जी, आपका पैसा है, बस समझदारी से लगाइएगा। इस वीडियो में इतना ही। एट लास्ट मेरे ऐसे व्यूवर्स जो कि एक नीट एस्पिरेंट हैं, उनके लिए एक इंपॉर्टेंट नोटिस। दोस्तों आप गरीब हैं या अमीर हैं, हर कंडीशन में आप नीट की प्रिपरेशन कर पाएंगे एन अकेडमी के एजुकेशन प्लेटफॉर्म से। जी हाँ, आप देख रहे हैं अन अकेडमी प्रोडिजी, यहाँ पर आप 20 लाख तक का स्कॉलरशिप विन कर पाएंगे। जब आप कॉलेज जाएंगे तो ये फीस आपको अन अकेडमी पे करेगी। 23rd of January को एक टेस्ट है 10 AM से, आपको इसमें अच्छा स्कोर करना है, अच्छी रैंक सिक्योर करनी है, उसके बाद आप इसका जो है प्रॉफिट ले पाएंगे। लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाएं और मेरा कोड अभिषेक सिंह 01 यूज़ कर आप फ्री में इसमें इनरोल भी कर पाएँ। सभी व्यूवर्स जो 7th, 8th, 9th, 10th में हैं या 12th पास आउट कर चुके हैं, हर एक बच्चा इसमें अप्लाई कर पाएगा। ये आपके सामने दी गई है बेसिक इन्फॉर्मेशन कि आपको यहाँ प्राइजेस क्या मिलने वाली हैं। ये कुछ डेट्स दी गई हैं कि किस बच्चे का टेस्ट कब होना है। तो अपने नॉलेज को दिखाएं, जो अभी तक आपने पढ़ा है इस पर अच्छा स्कोर करें और फ्री में आप नीट की प्रिपरेशन करें। आप देख रहे हैं कि जो अपकमिंग बैचेज हैं वो भी यहाँ पर स्टार्ट हो रहे हैं 19 जनवरी से। ये इंडिया के बेस्ट फैकल्टी मेंबर्स हैं, आप इनसे पढ़कर भी नीट की प्रिपरेशन कर पाएंगे। इसके अलावा अनअकैडमी मेगा कॉम्पैक्ट भी हो रहा है, इसमें भी आप इनरोल करके अच्छे से प्राइजेस विन कर पाएंगे, ₹5 करोड़ तक का स्कॉलरशिप विन कर पाएंगे। तो फटाफट इसमें इनरोल करें, इसकी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। टेस्ट ध्यान रहे, अनअकैडमी प्रोडिजी जो है वो 23rd of January और कॉम्बैट है 16th of January 11 AM पे।